भाई अब अभी जाकर ना खाओगे, मजे लेंगे भाई का पेट देखियो। तो भाई हल्की फुल्की बुक को करते हैं बाय बाय और इस प्यारी सी जगह को भी। तो भाई अभी निकलते सीधे टाइगर फॉल और बाइक की हैंडल ग्रिप्स बिल्कुल ठंडी होगी, छाया में खड़ी थी और बाइक भी ठंडी होगी क्या भाई, ज़्यादा ही रेस्ट कर लिया इसने, गियर में है। तो भाई आ गया मज़ा मैगी खा के और भाई बुरी बनी, बुरी तो के सारे चम्मच ढूंढते फिर रहे थे, चम्मच मेरी जेब में थी, ध्यान नहीं रही। कोई नहीं अगली लोकेशन पर खाऊंगे, तो मैंने किसी को बताई नहीं क्योंकि मैगी की वो चम्मच मेरे पास ही है। तो भाई पहला मौका पाने भी लगा खाने का, हम ही बनाएंगे हम ही खाएंगे वो सीन हो गया। तो भाई चलो सीधे टाइगर फॉल मिलते हैं, अब नीचे उतारने में दिक्कत बहुत ज़्यादा होगी और ये रास्ता तो मैं दोबारा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी देख चुके आप लोग इस रास्ते को, और एग्जॉस्ट भी भाई दोबारा बांधा है, अब जाके थोड़ा सा सही लग रहा है क्योंकि बार बार आवाज़ नहीं आ रही। तो भाई ऊपर से नीचे आ चुके और काफ़ी देर होगी वैसे आए हुए, और भाई रास्ते में एक छोटा सा ब्रेक लिया था खाने पीने के लिए और उसके बाद सीधे अपना टाइगर फॉल के रास्ते में। और दूसरी बात भाई बिल्कुल धीरे धीरे चल रहे हैं, तो पेट्रोल बचाया जा रहा है दबा के, देखो कितना बचता है। वैसे तो ऊपर से आए तब भी बीच में कई जगह बाइक बंद ही कर दी थी, वैसे अभी फिलहाल ऑन तो है लेकिन न्यूट्रल है, मतलब बाइक का कोई जोर नहीं लग रहा, तो अपने आप ही चलती जा रही है, सही है भाई। तो भाई बुलेट यहाँ पे रोकी है क्योंकि मैं काफ़ी आगे आ गया था और अभी भी 13-14 किलोमीटर और है टाइगर फॉल, तो यहाँ पे लोकेशन अच्छी थी तो मैं सोचा एक फ़ोटो ही ले लेते पीछे की, ठीक है भाई। बाकी आंखों से तो अलग ही वाइब्स आ रही हैं, जैसे ऊपर से लाइट सनलाइट पड़ रही है, इधर शेडो है उधर लाइट है, और ये पहाड़ों का टेक्सचर अल्टीमेट। काफ़ी पीछे रह गया, गाड़ी है दो बाइक है और मैं बिल्कुल मस्ती में चल रहा हूँ फिर भी इतनी आगे निकल गया, पता नहीं क्या ही कर रहे क्या चला रहे हैं। 30 ईच है ना, 30 रुपए की है ना। तो भाई अभी पहुंच गया एग्जैक्ट हम टाइगर फॉल की जो टिकट एंट्री है वहां पे, और 30 ईच पर एड है। और भाई एक रास्ता यहाँ से नीचे भी जाता है जो ट्रैकिंग करने के लिए, वहां से 1.5 किलोमीटर है और यहाँ से 2.5 किलोमीटर है। तो भाई हम चले गए थे फिर से आगे और जाना था हमको कच्चे रास्ते पे, इधर हम आगे चले गए रोड की सोच सोच के। मैं देखा तो था ये, लेकिन ये एरो नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया कि नीचे को उतरना है। 1.5 किलोमीटर तो देख लिया, फिर मैं कहा भाई 1.5 किलोमीटर से तो ज़्यादा हम आगे आ चुके हैं, अभी तक आया नहीं। फिर लोकल था कोई यहाँ का, मैं कहा अंकल जी कितनी दूर है, बोले भाई 1 किलोमीटर पीछे छोड़ा है 1.5 किलोमीटर के आसपास। तो अभी पहुंच चुके अभी लोकेशन पे पार्किंग की पे, और बाइक और गाड़ी सब इधर लगा दिया और रास्ता जाता है इधर से। और भाई अपना टॉवल वगैरह साथ में लेके आए अगर नहाने का प्रोग्राम होता है तो। भाई पहुंचते ही छोटे छोटे झरने देखने को मिल रहे हैं और अब भी चल रहे हम, ये ट्रैकिंग एरिया है थोड़ा सा पार्किंग से लेकर वाटरफॉल तक का। और भाई कौन सा था वो समझ में नहीं आया जो न्यू क्या था, कोई 5 किलोमीटर तय आवाज सुन जाएगी, हम तो बिल्कुल धोरा आ लिए, कोई आवाज नहीं सुनी। एक यूट्यूबर पीछे भी चालू हो गए भाई अपने, ये देखो उन्नत घराट। तो भाई आपको दिखा दे, यहाँ पे एक चक्की चल रही है, चक्की चल रही है तो आप बोलोगे इसमें खास क्या है, कुछ भी नहीं। तो भाई इसमें खास एक चीज है, ये चक्की किसी इलेक्ट्रिसिटी या किसी और चीज से नहीं चलती, ये चलती है पानी के फ्लो से। और पानी का फ्लो कहाँ से आ रहा है ये देखो, इधर से तो जा रहा है और उधर से आ रहा है, तो अंदर इसके टर्बाइन से छोटे छोटे से वो इसको रोटेट कर रहे हैं। तो भाई चलो बाहर से दिखाते हैं इसको एक बार, हाँ बिल्कुल ड्रोन उड़ा देंगे। तो भाई एग्जैक्ट टाइगर फॉल पहुंच चुके हम, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है भाई, बढ़िया लग रहा है। तो भाई सामने वो देखो, वो दिख रहा है टाइगर फॉल है वो, तो अभी चलते हैं पास उसके और दिखाते हैं आपको वहां का नजारा। भाई इस झरने को देखने खातर सुबह से निकले हुए हैं, बाकी बीच में दूसरी जगह भी गए हैं, मैगी बना बना के खाई है, दिमाग खराब कर करके। ये देखो भाई ऐसे छोटे छोटे से
और भाई इस झरने की एक खासियत और है, सुनने में आया, बाकी मेरे को पता नहीं एग्जैक्ट सच है या नहीं, एशिया का सबसे बड़ा झरना है ये, जो डायरेक्ट जिसका पानी ज़मीन पर टक होता है। कॉस्ट्यूम पहनकर ही तालाब में प्रवेश करें, बिना कपड़ों के तालाब में स्नान करना वर्जित है, पकड़े जाने पर सजा हो सकती है, कृपया परेशानी से बचो और हमारा सहयोग करें। इसका मतलब भाई टिकट ले लो या फिर कॉस्ट्यूम ले लो, वो पेड है। तो चलो भाई देखते हैं तालाब में कौन सा तालाब है, कैसा तालाब है। भाई 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 ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, कितना प्यारा लग रहा है। ये इसके नीचे जा तो रहे हैं लेकिन रिस्क इतना ज़्यादा है, रीज़न छोटे छोटे पत्थर वगैरह साथ में आते हैं पानी के और भाई वो सिर पे लग सकते हैं। नहाने का प्रोग्राम बन सकता है, रीज़न हम अपना तौलिया तालिया के लिए ले जा रहे हैं भाई। तो भाई चेक करो, बाकी मेरी आवाज आ भी रही है या नहीं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि बाकी डिस्टरबेंस भी है साथ में फाउंटेन का शोर। और ये देखो भाई वाटरप्रूफ नहीं रहा मेरा फोन, नहीं तो मैं इसको लेके ही अंदर चला जाता, बहुत दुख आ रहा है यार। पिछला पैनल इसका क्रैक हो गया था तो चेंज करवाया, तो वाटर रेजिस्टेंट नहीं है अब, माई बैड लक। ये देखो वाह क्या नजारा भाई। तो भाई अभी बाकी तो नहा लिया, मैं ड्रोन उड़ान लग रहा था। तो भाई अब अभी जाकर नहा जाओगे, मजे लेंगे, भाई का पेट देखियो भाई, पेट अभी पेट दिखेगा, एब्स तो है ही नहीं, कोई नहीं भाई हम चले अंदर, पेट में एब्स बना देंगे जल्दी है, बना देंगे बना देंगे। बाबा की दया है, बाबा की दया है। कच्चे कच्चे में नहाने का थेरेपी भी ले इसकी, नहाने का मैं निकल रहा छोरे का दे लो तेरे लिए कार्ड, ये नहाना पड़ेगा मजबूरी है, मैं नहीं बॉटम हुई के ले आ जा। अरे जे कंपनी से छोड़ यार, तो आ जा ला तो मैं जाऊंगा और गेला भी तो मित्र को ऐसा। अरे तू तो रह गया तंग मैनू दस बलिए साढ़े पेंट च आउंदी ना प्लस बलिए करदा है तंग केड़ा दस बलिए एक बार तो कुछ का ठंडा लागा लाल हो गया, आई सारी पी होगी तो चिल्ड पानी अब नॉर्मल लग रहा है, तो भाई मजा आ गया। सनसेट भी होना शुरू हो चुका है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी भाई कम से कम 30-35 किलोमीटर बाइक चलानी है, सोच रहे कुछ लाइट लाइट में पूरा हो जाए, तो चलो भाई जाना तो पड़ेगा, बाकी पूरे हो गए भाई साहब।
एक और दोस्त अपना हाथ दमलते उल्टे पैर गया, ठंडा पानी देख कर नाम तो हिम्मत मारेगा कूद के आइस थेरेपी ले ली भाई कत्ती, शरीर ना ऐसा ठंडा हो रहा कत्ती ने मजा आ गया। ये देख लो पूरा फोटो खींचन लाग रहे, इन और कोई काम नहीं, ये काम है खिंचवाओगे तो फोटो ने फराम एक पुल पर खिंचवाओगे भाई यार मजा आ जाएगा एंडी। तो भाई अभी निकल रहे सब यहाँ से और मैं सोच रहा था कि ब्लॉग को यहीं पेंट कर देता हूँ क्योंकि तो जाते टाइम दोबारा बनाने का मेरी कोई गुंजाइश नहीं है भाई, माइंड फ्रेश है बिल्कुल। तो अभी सब अपने निकल रहे हैं, तो भाई बताना वीडियो कैसी लगी और आपसे मिलते हम एक नई वीडियो में और अलग लोकेशन पे अलग शहर में। तो चलो भाई टेक केयर बाय एंड सी यू इन मसूरी या फिर जो भी जगह होगी मोस्ट प्रोबेबली मसूरी ही होने वाली है। तो स्टे सेफ स्टे राइट एंड बाय।